सो आज मैं आप लोगों को मेरा सिंपल मेकअप जो रूटीन है वो शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे एक नहीं चार पांच बार कमेंट आया है कि आप अपना मेकअप जो किस तरह से करते हैं वो बताइए। तो मैं कहूंगी यहाँ पर कि मैं बहुत ही सिंपल मेकअप करती हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं रहता मेरे मेकअप में, और देख सकते आप मेरा फेस इस वक्त का और बाद में मेकअप का। इस वक्त मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, बस मैं थोड़ा सा नैप लेके आई हूँ और बहुत ही डल लग रहा है। बट चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने आप लोगों की बात मान ली। सो वैसे तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग में बताया है कि किस तरह से मेकअप किया जाए, बट ये थोड़ा सा आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने सोचा चलो शेयर कर ही देती हूँ फाइनली। सो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। तो ये है जेवा का एलोवेरा जेल विथ आर्गन ऑयल। मैं इसे काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो हाफ हो चुका है। इसे मैंने purple.com से मंगाया था, जिसकी MRP है ₹250। मुझे कुछ डिस्काउंट मिला था, क्योंकि हमेशा आप पर्पल पे देखते हो डिस्काउंट मिलता है। और सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी यहाँ पे सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, एंड ये जेवा ब्रांड का था। मुझे ये कुछ ज्यादा अच्छा लगा, वाव की तरह था, तो मैंने सोचा वाव मैंने ट्राई किया, वाव द बेस्ट प्रोडक्ट है। बट इसे भी यूज करके देखती हूँ लेट्स सी कैसा है, बट काफी अच्छा है। मैं इसे एज रात को नाइट सीरम करके विटामिन ई कैप्सूल करके भी लगा लेती हूँ, और समटाइम ऐसे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही क्विकली अब्जॉर्व होता है। और ये कोई मेरा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, स्पॉन्सरशिप के लिए बाकी टाइम। और बट मैं वही प्रोडक्ट के रिव्यू और वीडियो शेयर करती हूँ जो कि 100% मुझे काम आए, मतलब बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट रहा, उसी को मैं शेयर करती हूँ और वही मुझे अच्छा भी लगता है। और नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई। देखिए ये मैं यूज करूंगी, ये मुझे बिंदु दीदी ने लाके दिया है। इसे छोटा छोटा ये इस तरह से कंसीलर आता है, इसपे FS26 नंबर है। तो इंडियन स्किन टोन ये 26 चल जाता है, और आप बहुत ज्यादा हाई मेकअप करते तो आपको येलो बेस लगाना होता है, तो ये ना काफी टाइम तक टिकता है। तो इस तरह से मैं बस पॉन्ड्स से ऐसे ऐसे टैप कर लेती हूँ, और अदरवाइज मैं पॉन्ड्स बीबी या फिर लैक्मी का बीबी क्रीम, अदरवाइज एक और प्रोडक्ट है मेरे पास, जस्ट आई विल शो यू ये इनसाइड का। ये भी काफी अच्छा, आप देखिए यहाँ पे ट्यूब है ना, कैरी बैग में रखा था मेरे ट्रेवलिंग के टाइम, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेस होके जब हो गया मतलब फट गया, तो ये थोड़ा सा इसका डिसपॉइंट करता है मुझे। अदरवाइज ये इनसाइड बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, काफी टाइम तक स्टे करता है। आप स्पॉन्ज को ना थोड़ा सा ना गीला कर लीजिए, और ये स्पॉन्ज को मैंने लिया था मिस्टर डिया वाई से, काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा। मगर आपने नहीं देखा ना मिस्टर DIY का हमने क्या क्या परचेस किया, आप जरूर चेक कर सकते हो, और हम स्टोर में जाके एक्सप्लोर भी किए थे, वो भी आप चेक कर सकते हो। और आपका ना ईयर मत भूलिए, और इस एरिया बहुत ही थोड़ा थोड़ा लेती हूँ मैं ज्यादा, बस आपको टैपिंग करना है। सिर्फ और सिर्फ ये कंसीलर से ही आपके स्किन देखिए कितनी चेंज होती है। और मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पसंद करती हूँ डेली मेकअप में, ये भी नहीं करती हूँ, बट इस वक्त जो है मुझे सूट करना था मेकअप, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं लगा लेती हूँ। अदरवाइज मैं सिर्फ बीबी क्रीम ही यूज करती हूँ डेली बेसिक में। आप लोग क्या यूज करते हो जरूर कॉमेंट्स करना। मेरे टैप इसमें काफी टाइम लग जाता है, और इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट इज ये देखिए स्पॉन्ज, ये यूज करूंगी। ये है NYV का आई थिंक कॉम्पैक्ट, देखिए खत्म हो चुका है, काफी खत्म हो चुका है, बस इसे इस तरह से लेना है एंड देन प्रेस, ताकि आपको कोई भी पसीना ना आए। मेकअप कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता कि आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है ये यूज करना, बस आपके स्किन को सूट होना चाहिए, और मेकअप ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कोई स्टेप भी नहीं है कि आपको यही पहले लगाना है पहले ये। हाँ स्टेप ये है कि आपको एक प्राइमर लगाना होता है, तो आप उसकी जगह पे आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, मॉइस्चराइजर कर सकते हो आपकी स्किन को, एंड उसके बाद आप अच्छा सा कोई कंसीलर
एंड अदरवाइज बीबी क्रीम, देन आपको कॉम्पैक्ट पाउडर, दैट्स इट। एंड देन लिपस्टिक एज योर चॉइस, आपको कौन सा कलर पसंद आता है, एंड काजल, लाइनर, आईब्रो फिल, एंड दैट्स इट, यू आर रेडी फॉर द पार्टी एंड हेयर। या सो हेयर केयर बहुत सारी लेके आई है मुंबई कर बिंदु शर्मा, आप उनके चैनल पे देखिए और बहुत ही उन्होंने बहुत सारे टिप्स लाई, तो आप जरूर चेकआउट करना और मैं भी उनकी टिप्स एक्चुअली फॉलो करने वाली हूँ। देखिए मेरे बाल काफी अच्छे हो गए, गिरना भी बंद हो गए, बाय द वे मेरे बहुत ज्यादा बाल ना थोड़े से जा रहे थे बिकॉज ऑफ मैंने जब से घर चेंज किया है। चलिए मैं अब लगाती हूँ माय लिपस्टिक। सो बेला ओस्टो का ये लिपस्टिक, एंड यहाँ की जो देख सकते हो आप निकल चुका है, इसे हम बाय करते थे ना मतलब पहले, पीहू तो मंथली हम सब्सक्रिप्शन करते थे इसके, नाम आई फॉरगॉट द नेम, मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे बता दूंगी, ग्लैमिगो, या वहां से ये मिला है, काफी अच्छा है एंड मैट में है। समटाइम्स ना कैमरे को फेस करना इतना इजी नहीं होता फ्रेंड्स, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कैमरे को फेस करना पहले मुझे नहीं आता था, बट अब थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना और ज्यादा बढ़ जाए, और फिंगर क्रॉस की बहुत अच्छा, मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जितने लोग हैं मैं उसे मना नहीं करूंगी कि नहीं करें, बट थोड़ी सी और सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग। सो एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी माय, इसके बिना तो अधूरा है, सो इंडियन वुमेन तो ये लगाती ही हैं, सो एंड देन टिकली लगाऊंगी और बस काजल लगाना बाकी है। ओह माय गॉड, सो आज मैं काजल लगाऊंगी आईटेक्स का, मैंने एक ही बार यूज किया है और लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा है, मतलब ये काफी अच्छा है, देखिए बहुत ही इजिली इसके स्क्वाचेस लग जाते हैं, बट मैं आई वाटर लाइन पे लगा के दिखाती हूँ, सो काफी बार रोटेट करना पड़ रहा है, बट देखिए आप बिल्कुल भी नहीं लग रहा, दैट मीन्स डोंट परचेस, सिर्फ इससे आप आईब्रो जो होते ना वो थोड़े बहुत फील कर सकते हो, बट ब्राउन अगर आपने लिया है ना ब्राउन पेंसिल से, अगर आप आपके आईलिड फील करते हो तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि पता भी नहीं चलता कि आपने आपके जो है ना आईब्रो फील किए, सो आज तो मैंने इसी से काम चला लिया, सो एंड देन यू हैव टू फील योर आई वाटर लाइन, बट ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है आईटेक्स का, सो जस्ट सो जस्ट मेरा ये मानना है ना, अगर आपको बोरियत भी हो रही है ना तो यू हैव टू डू जस्ट मेकअप, मेकअप आई लव मेकअप, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, और जब भी आपको ऐसा लगे ना आपको मतलब कि आपकी लाइफ बहुत बोरियत हो रही है तो मेकअप कर लो जस्ट लाइक मी, सो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को कैसा लगा जरूर कॉमेंट्स करना मेरा सिंपल सा मेकअप लुक। एंड हाँ मैं ये लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, और आज कल मैं बहुत लगा रही हूँ ये हाइलाइटर, मुझे काफी पसंद आ रहा है, सो जस्ट मैं पहले लाइनर लगा लेती हूँ, और मेरी आईब्रोज देखिए कितनी बढ़ गई है, मुझे आईब्रोज भी कराना है, सो जस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई लाइनर, मिरर नहीं ना आई कांट सी ऑन कैमरा, सो जस्ट वेट, सो ये ब्लशर लगाना बहुत अच्छा लगता है, आप देखिए ये जस्ट अभी से मैंने स्टार्ट किया, ये तो थोड़ा सा आपको बस लेना है, एंड देन इसको हाथ से भी ऐसे से कर सकते हैं आप, आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे अभी वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में मैं काफी यूज कर रही हूँ, और दीदी के पास जो है ना वो लिक्विड फॉर्म है, ये पाउडरी फॉर्म है, एंड देन यू टू जस्ट
lightly. You to do like that. काफी अच्छा शाइन आता है आपकी ना जब आप ऐसे चीक एरिया पे ऐसे स्माइल करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है. एंड सी है ना बहुत अच्छे अच्छे हाइलाइटर आते हैं यार. मुझे और भी हाइलाइटर लेने हैं. ये तो है टीन एंड टीन का, तो ये मुझे ज्ञा दीदी ने दिया है, तो थैंक्स टू माय दीदी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई टिकली. नाउ रेडी. सो फ्रेंड्स कैसी लग रही मुझे जरूर कमेंट. फ्रेंड्स लास्ट में यूज करने वाले हूँ एनवाई बे का, ये द बैलेंस पीएच बैलेंस स्किन न्यूट्रलाइजर. और इसे मैंने यूज किया है जो मैंने मेकअप के बाद स्प्रे किया है और मुझे काफी अच्छा यू नो रिजल्ट आया. आपका मेकअप जो होता है ना काफी शाइन करता है. और यहाँ पे ये क्लेम करता है कि कंट्रोल सीबम प्रोटेक्शन है, एक्ट इन प्रोटेक्टिव बैरियर्स, हेल्प इन स्किन रिपेयर, एब्जॉर्ब क्विकली, कीप द स्किन सॉफ्ट, इजी टू अप्लाई, यू कैन सी. एंड इसकी प्राइस है 30 ml है और इसकी प्राइस है 199 rupees. सो जस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई एज अ यू नो मेकअप फिक्सर. सो मैंने इसे मेकअप करने के बाद यूज किया है और आप लोग अगर यूज करते तो जरूर बताइए किस तरह से यूज करते. मैं ऐसे भी यूज किया है मैंने फेस वॉश करने के बाद, तो काफी अच्छा लगता है. सो जस्ट और बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट लगती है. सो बस विद इन अ सेकेंड ये ड्राई हो जाएगा. And then I'm going to bye. So hope so आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा माई सिंपल मेकअप लुक. अगर अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और आप लोग